अस्सलामुअलैकुम, एनास किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मूली का पराठा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने एक मूली ली है नॉर्मल साइज़ की, उसको ग्रेट कर लिया है, उसका पानी निकाल लिया है मैंने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। एक पैन ले लेंगे, उसमें तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल में हम डाल लेंगे तकरीबन 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, छोटा छोटा काट लिया, उनको ये डाल देंगे। हमने इसका सालन नहीं बनाना, इसलिए हम सब चीज़ों को जस्ट सोते करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। लहसुन हल्का सा सोते हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे एक प्याज, आप चाहें तो ग्रीन अनियन भी डाल सकते हैं। बहुत ईजी और बहुत सिंपल रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी यहाँ पर इसमें डालूँगी मैं मूली जो हमने पहले से ग्रेट करके रखी हुई है। हाफ टी स्पून इसमें डालूंगी, हाफ टी स्पून नमक की डाल दूंगी मैं, हाफ टी स्पून डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डालूंगी धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल दूंगी मैं सब धनिया और इसको मिक्स करके तो हम उतार लेंगे। ये छोटे छोटे 2 पेड़े हमने बना लिए हैं, इनको बेल लेंगे। इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे हम 2। हमारी दोनों रोटियां बनके तैयार हैं। अभी इसमें हम लगाएंगे अपनी फिलिंग जो हमने पहले से बना के रखी हुई है, इसको हमने बिल्कुल इसके दरमियान में लगाना है। इसको मैंने फैला लिया है, अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे, इसको सेट कर लेंगे साइडों से। मैदा डस्ट करेंगे नीचे, उस पर दोबारा से हम रोटी फैला देंगे और इसको बेल लेंगे, इस पर भी मैदा डस्ट करेंगे। हल्के हाथ से हमने इसको बेल लेना है गोल शेप में। हमारी रोटी तैयार है, अभी इसको हम तवे पे डालेंगे। तवा हमने पहले से गर्म होने के लिए रखा है, अभी इस पर रोटी डालेंगे। इसको सेट कर लेंगे ऐसे, जब एक साइड से ये पक जाएगा तो इसको उल्टा लेंगे हम। ये हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, अभी दूसरी साइड से पकाएंगे इसको थोड़ी देर। मैं इसको ऑयल में बनाऊंगी, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी बना सकते हैं। देखें, एक साइड से इतना खूबसूरत हमारा पराठा तैयार हो चुका है, अभी दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको पका लेंगे हम। हमारा पराठा रेडी हो चुका है, अभी इसको हम उतार देंगे। देखें, दोनों साइडों से बहुत प्यारा बना है। मूली का पराठा बनके तैयार है, ये देखें हमने उतार लिया है, कितना मज़ेदार सा लग रहा है। इसका मसाला भी बहुत मज़ेदार बना है, आप चाहें तो इसको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाहें तो केचप के साथ भी खा सकते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।